हाय दोस्तों, मेरा नाम है जसदीप सिंह और आज की कविता का शीर्षक है गुमशुदा। इसे लिखा है मंगलेश डबराल जी ने और कविता के बाद हम कविता के सार के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और आइए अब इस कविता को जल्दी से सुनते हैं। शहर के पेशाब घरों और अन्य लोकप्रिय जगहों पर उन गुमशुदा लोगों की तलाश के पोस्टर अब भी चिपके दिखते हैं जो कई बरस पहले 10 या 12 साल की उम्र में बिना पताए अपने घरों से निकले थे। पोस्टरों के अनुसार उनका कद मझोला है, रंग गोरा नहीं, गेहुआ या सावला है, हवाई चप्पल पहने हैं, चेहरे पर किसी चोट का निशान है और उनकी माएं उनके बगैर रोती रहती हैं। पोस्टरों के अंत में ये आश्वासन भी रहता है कि लापता की खबर देने वाले को मिलेगा यथासंभव उचित इनाम। फिर भी वो किसी की पहचान में नहीं आते। पोस्टरों में छपी धुंधली तस्वीरों से उनका हुलिया नहीं मिलता। उनकी शुरुआती उदासी पर अब तकलीफें झेलने की ताब है। शहर के मौसम के हिसाब से बदलते गए हैं उनके चेहरे। कम खाते, कम सोते, कम बोलते, लगातार अपने पते बदलते, सरल और कठिन दिनों को एक जैसा बिताते। अब वो एक दूसरी ही दुनिया में हैं। कुछ कौतूहल के साथ अपनी गुमशुदगी के पोस्टर देखते हुए जिन्हें उनके माता पिता जब तब छपवाते रहते हैं, जिनमें अब भी 10 या 12 लिखी होती है उनकी उम्र। तो दोस्तों, कविता के सार के बारे में बात करें तो मोटा मोटी तो इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मिसिंग के बारे में बात की गई है। कैसे कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर निकले और फिर उसके बाद वापस ही नहीं आ पाए, कैसे उनके माता पिता पोस्टर छपवाते रहते हैं, इनाम रखते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चलता और वो बच्चे किसी दूसरे शहर में कितनी तकलीफ़ों के बीच अपना गुजारा करना सीख जाते हैं। बाद में वो निकलना चाहते हैं लेकिन सामने कोई रास्ता नहीं मिलता। अब दोस्तों, सच बताऊं तो इस कविता ने मुझे बहुत दुख दिया। मैंने कविता को पढ़ा और उसके बाद इंटरनेट पर सर्च करने के लिए बैठ गया और पता चला कि इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। सालाना तकरीबन 1 लाख बच्चे गायब हो जाते हैं जिनमें से 75% फीमेल्स होते हैं। ज़रा सोचिए, एक बच्चा अपने घर से उसे किडनैप कर लिया और उसके बाद उसे एक अनजानी जगह फेंक दिया जाता है। उसको फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। उसको अपना गुलाम बनाया जाता है और मनमानी की जाती है उसके साथ। और कई केसेस तो मैंने ऐसे पढ़े कि जिनमें माँ बाप खुद अपने बच्चों को बेच देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके लिए अच्छा है और उनके बच्चे के लिए अच्छा है। उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और उनका बच्चा या तो किसी काम पर लग जाएगा या फिर उसकी किसी बड़े घर में शादी हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से उसे जिस तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी लाइफ सच में बेटर हो जाती है? आंकड़े बताते हैं कि नहीं, बल्कि उस बच्चे को ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई कमोडिटी या कोई चीज़ हो जिसे खरीद कर लाया गया है और उसके बाद उसके साथ अपना मनचाहा बर्ताव किया जा सकता है। और इस सब के बीच बचपन, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, कुछ भी नहीं करना, ये सब तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो 3 बातें हैं। सबसे पहला अवेयरनेस, जागरूकता। अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, या आपके यहाँ जो काम करते हैं, जिन्हें भी आप पहचानते हैं, जानते हैं, उनसे इस बारे में बात कीजिए। उन्हें बताइए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है, कैसे अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। दूसरा, वॉलंटियर। ऐसी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रही हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनके इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद कर सकें। और तीसरा, रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं या किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं, भले ही फिर वो ढाबे पर हो, स्टेशन के बाहर हो या फिर किसी सिग्नल पर हो, तो थोड़ी देर रुककर उससे बात कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा केस निकलता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्या पता आपकी मदद से कोई बच्चा घर पहुंच जाए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कविता पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।